बिहार शिक्षण बहाली से संबंधित बहुत बड़ी खबर आ रही है। सेकेंडरी प्लस टू की रिक्तियों की गणना में गड़बड़ी, यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो रिक्ति जारी कर दिया गया है 57,000 के करीब प्लस टू में और 32,000 कुछ माध्यमिक जो जारी किया गया है उसमें रिक्ति में गड़बड़िया है, रिक्ति में क्या है गड़बड़ी किया गया है। देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, जानकारी आप भी समझें। दिया गया है कि शिक्षा विभाग के जिले द्वारा भेजी गई माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की रिक्तियों में काफ़ी त्रुटियां पाई गई हैं। इसके मद्देनज़र शिक्षा विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि त्रुटियाँ सुधार कर रिक्तियाँ भेजें। इसके लिए जिलों को 14 जून तक का समय दिया गया है। 15 जून से ऑनलाइन आवेदन होने वाला है और 14 जून तक का समय जिलों को दिया गया है कि अगर आपकी रिक्ति में किसी प्रकार का अगर गड़बड़ी है तो उसको सुधार करके भेजा जाए। इस बाबत माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि रिक्तियां फॉर्मेट में मांगी गई है। रिक्तियां भेजने में जिलों द्वारा की गई त्रुटियों का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षकों के लिए सृजित पद आवंटन के जरिए अभी जिलों को दिए भी नहीं गए हैं, लेकिन जिलों द्वारा उसे भी रिक्तियों में शामिल कर लिया गया। नियुक्तियों की गणना में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के उन 50% पदों पर भी ध्यान नहीं दिया गया जो माध्यमिक शिक्षकों की प्रोन्नति से भरे जाने हैं। रिक्तियों की गणना में वैसे पदों पर भी ध्यान नहीं दिया गया जो कोर्ट या अपीलीय प्राधिकारों में चल रहे हैं मामलों में शामिल है। प्रमंडलीय संवर्ग के शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए कुलवत पद भी रिक्तियों में शामिल कर लिए गए हैं और प्लस टू व्याख्याताओं के पद सापेक्ष भी रिक्तियों में शामिल किए गए हैं। कहने का अर्थ है कि जो रिक्तियां जारी की गई है उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि है और अगर इस तरह का नियम आता है तो सीट घटने की भी संभावना है। ठीक है दोस्तों, और इसको सही करके दुरुस्त करके जिला से जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के माध्यम से शिक्षा विभाग बिहार को 14 जून तक उपलब्ध रिक्तियों का सही डाटा करा देना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स दोस्तों।